नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट हिंदी साहित्य का सीरीज लेकर आ रहा है और ये सीरीज इसीलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। इस कड़ी में आपने कल पार्ट वन देखा। पार्ट वन में हिंदी साहित्य के बारे में कैसे स्टार्ट हुआ हिंदी साहित्य का बताया गया, हिंदी साहित्य का काल विभाजन पे बताया गया और हिंदी साहित्य से जुड़ी जो नामकरण है, नामकरण पे हिंदी साहित्य काल का क्या क्या कहना है उसके बारे में चर्चा किया गया। इसलिए अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं हिंदी साहित्य का तो सबसे पहले आप लोग जाकर पार्ट वन को ज़रूर देखें। पार्ट वन को देखने के बाद ही पार्ट टू को देखें और पार्ट टू में जो हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में वो देखिए, भक्ति कार के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात है बीएचयू कॉन्सेप्ट सबसे अलग, सबसे यूनिक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसीलिए अगर आप लोग अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन क्लिक जरूर करें। और आप लोग को मेरा दावा है कि आप लोग हिंदी साहित्य में बेस्ट बन जाएंगे, बेस्ट। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आप फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगले वीडियो में यानी जो पहले वीडियो आया था इस पार्ट वन में, उसमें मैंने आदिकाल का चर्चा किया था। उसके बाद जो आज हम करेंगे भक्ति काल पे, तो बिना समय को गवाए हुए चलते हैं आज का बेस्ट टॉपिक भक्ति काल पे। और इनका जो तिथि है 1350 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, एक निर्गुण काव्यधारा, दूसरा जो है सगुण काव्यधारा। आप लोग देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आगे देखेंगे, अभी आगे देख रहे हैं आप सबके सामने हैं, तो आगे क्या होता है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा पुनः दो भागों में बट जाता है। जैसे कि निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएँ क्या क्या है, संत काव्य, सूफी काव्य। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब आप लोग स्मार्ट हैंडेड में अगर शामिल हैं तो आपके पास पीडीएफ जाएगा, अगर आप शामिल नहीं हैं तो कॉपी में नोट करते जाएं। और शामिल कैसे होना है तो आपको पता है, एक छोटी सी सहयोग करना है और इतना तो आप लोग को बनता ही है। संत काव्य ज्ञान श्री काव्य और सूफी काव्य को प्रेमाश्री काव्य कहा जाता है। और संत काव्य का जो प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? कबीरदास। जबकि सूफी काव्य का जो प्रतिनिधि कवि है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अभी देखिए इसमें जानेंगे हम लोग, जैसे अगले वीडियो में हमने देखा था आदिकाल के बारे में, फिर आदिकाल के प्रमुख कवि, उनके व्यक्तिगत परिचय, रचनाएं, तो ये जानिए ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। और आप सब जानते ही हैं पीएचयू कॉन्सेप्ट आप सबके लिए सबसे अलग ही करता है। निर्गुण काव्यधारा हो गया, इसके बाद हम लोग जो आगे चल रहे हैं सगुण काव्यधारा है, इनके भी दो शाखाएँ हैं। पहला जो है राम भक्त हैं, दूसरा जो है कृष्ण भक्त हैं। राम भक्त के जो प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास हैं, जबकि कृष्ण भक्त शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना बेहतर है। आप लोग कभी भी टेंशन मत लीजिए, आपके साथ बीएचयू कॉन्सेप्ट है, बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सबको टॉपर बना कर ही दम लेगा। संत कवि किसे किसे कहा जाता है देख लीजिए, कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, मूलकदास, सुंदरदास, ये सब आप लोग याद रखिएगा, संत कवि इन्हें कहा जाता है। और देखिए आगे देखिए, अब कबीर जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कबीर जी के। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है, कहाँ हुआ है? बनारस में। और आप लोग देखिए ये विषय ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म है ना, इस पर बहुत संदेह है, बहुत इतिहासकार का अलग अलग मत है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। कहाँ हुआ है? बनारस में। इनका मृत्यु कब हुआ है? 1494 ईस्वी में, मगहर, उत्तर प्रदेश। देखिए निर्गुण काव्यधारा के सबसे प्रमुख मुख्य कवि हैं,
अभी आप आगे हमने देखा था। उसके बाद देखिए इनका उपनाम क्या है, कबीर जी का उपनाम है वाणी का डिटेक्टर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो यहाँ देखिए सडुकरी भाषा, पंचमेर खिचड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीजक, साखी, सवर, रमैनी का संग्रह है बीजक में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कितना यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। इनका जो संकलन सिख से जो बीजक का किया था संकलन, जो इनका एक चेहरा किया था धर्मदास, और इनका गुरु का नाम है रामानंद। तो देखिए बीएचयू कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए हिंदी साइट के लेकर कितना एक्टिव है, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग से जितना संभव होगा मैं आप लोग को पूरी मदद करता हूँ। ये आप लोग सोचिए कि आप लोग को इतना हम सहयोग कर रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं, और आप एक छोटी सी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें हमसे बार बार बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक छोटी सी सहयोग तो ही है, इतना तो आपको बनता ही है। और आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग को लगता है कि भैया पैसे कमाने के लिए किए हैं, तो मैं बता दूं हेल्पिंग हैंड से उतने भी पैसे नहीं आया है जितना मैं अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट के लिए पूरा खर्च किया हूं। इसका अभी तक 10% भी नहीं आया है। आप समझ सकते हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने जितना खर्च किया उसका 10% भी नहीं आया है हेल्पिंग हैंड से। तो आप लोग का ये जरूरी बनता है कि जरूर मदद करें, मदद करना चाहिए, कि मदद कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और आप बीएचयू कॉन्सेप्ट को मदद करेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा, क्योंकि यहाँ आपका पैसा आपके ऊपर ही खर्च किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं रैदास के बारे में। इनका जो रचना है वाणी सुंदर रास, सुंदर विलाप इनका रचना है। और सबसे बड़ी बात है ना कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में आप सब जानते ही हैं, हमेशा से आप सबको बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए मूलक रास जो है इनका जो रचना है ज्ञान बोध रत्न खान। और सबसे बड़ी बात, जो स्मार्ट हंड्रेड में शामिल हो गए हैं वो भी सहयोग करें, उनका भी सहयोग आवश्यक है। और जो शामिल नहीं हुए हैं वो बोलते हैं ना कि मुझे शामिल नहीं किए हैं, हम एक्टिव रहते हैं, तो कोई बात नहीं, सहयोग कर लीजिए। सहयोग करने में क्या जाता है, सहयोग कीजिए, फिर मैं आपको एड कर लूँगा, आपके पास PDF जाएगा, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे, जैसे सबको मिलेगा वैसे आपको भी मिलेगा। देखिए गुरु नानक, गुरु नानक जी का गुरु नहीं, गुरु नानक मैंने यहाँ बोल दिया सिख धर्म के संस्थापक का नाम, तो आप लोग यहाँ देखिए नानक देव, ठीक है नानक देव। और इनका जो रचना है, रचना का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इनका संकलन किसने किया, गुरु अर्जुन देव। तो ये विषय ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे भक्ति के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, रामानुज आचार्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत, हिंदी की आदि कवित्री किन्हें कहा जाता है, मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य शूलदास, इसका भी PDF आज शाम 8 बजे आप लोग को जाएगा, जो स्मार्ट 100 में शामिल है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो शामिल नहीं है और जरूर लिखेंगे। देखिए कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है, शूलदास। उसी प्रकार राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है, काव्य मैंने पूछा सूर सागर है, शूलदास नहीं प्रतिनिधि कवि है, लेकिन इनका जो काव्य है सूर सागर। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस। प्रथम सूफी काव्य, देखिए मैंने काव्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं कवि नहीं पूछ रहा हूँ, हंसावरी। कितना इम्पोर्टेंट है, आपको संग्रह किया गया है। तो आप देखिए सूफी काव्य कवि कवि कौन कौन है, सूफी कवि कौन कौन है, जैसे जी आहिस्ता मुल्ला दाऊ उस्मान कुतुबन नूर मोहम्मद, ये सब सूफी काव्य कभी कभी दे देता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सूफी काव्य नहीं कभी नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में थे, इनके समकालीन में थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी जो है जायस के रहने वाले थे, इसी इन्हीं के लिए इनका जायसी उपाधि लगा। कहाँ रहने वाले थे, जायस। इनका प्रथम रचनाएँ कौन है, पद्मावत, आप सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है देखिए
इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे किया गया संग्रह कि किसी भी प्रकार से सवाल पूछेगा तो आप लोग फंसेंगे नहीं। मनस्वी शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? मसनवी शैली में। और इनका एक और रचना जो इम्पोर्टेंट है, पद्मावत, अखरावट, बारहमासा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कड़ी में देखिए साहित्य का जानते हैं। इनका जो प्रसिद्ध रचना है हंस वाली, मुल्ला दाऊद का जो है चंद्रयान या लोह कहा, उस्मान का चित्रवर्ती, नूर मोहम्मद का इंद्रावती, अनुराग बासुली, कुतुबन का मिग्रावती, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे पीडीएफ जाएगा जो स्मार्ट 100 में है। देखिए आगे हम देखते हैं, राम भक्ति का शाखा के कवि हैं तुलसीदास, ठीक है, नाभादास, केशवदास, ईश्वरदास, नरहरिदास, अग्रदास, रामानंद आदि, ये सब कवि जो हैं राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा से के जो कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई, रस खान, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास आदि, किन शाखा से कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग को विशेष ध्यान रखना। अब सूरदास के बारे में जानते हैं, इन्हें बासर रस का सम्राट कहा जाता है, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माना जाता है सूरदास को। इनके गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। आगे देखते हैं, उपनाम इनका जो है अष्ट साप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य रहली, सूर संग्रह, सूर पचीसी, रोबल्लन लीला, नाग लीला, इनका प्रसिद्ध रचना है सूरदास का। ये सब आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं तुलसीदास, इनका जन्म कहाँ हुआ? कसडन उत्तर प्रदेश, मिल्तु 80 घास, वाराणसी। और सबसे बड़ी बात है, 80 घाट का नाम आते ही मेरे दिल में एक सवाल आता है, एक ख्याल आता है, एक जुनून आता है, एक मुझे भी ऐसा लगता है वो दिन आएगा जब हम सब मिलकर बीएचयू कॉन्सेप्ट फैमिली 80 घाट पे हम लोग वहाँ पे एक उत्सव मनाएंगे, वहाँ पे मिलन त्यौहार मनाएंगे। तो आप लोग इस 80 घाट को दिल और दिमाग में बैठा के रखें कि हम लोग 80 घाट जरूर आएंगे वाराणसी में। और मैं बता दूँ 80 घाट बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और गंगा नदी के किनारे हैं और बीएचयू से कुछ ही दूरी पे स्थित हैं। बीएचयू के हर एक स्टूडेंट 80 घाट हर शाम को जाया करते हैं, क्योंकि 80 घाट पे एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो आप सब जरूर 80 घाट पे आएंगे, हम सब आशा करते हैं आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सबके लिए देहोजे दिल से लगा हुआ है, पूरे दिल से लगा है, तन मन से लगा हुआ है। बस थोड़ी सी धन में परेशानी आती है जो हेल्पिंग हैंड के तहत मैं लेता हूँ, मैं आप लोग से कभी पैसे भी नहीं मांगता हूँ। तो आप लोग से सोचना चाहिए कि आप लोग के लिए ही मैं इतना सब कर रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आए हिंदी साहित्य का तो आप जरूर कमेंट करें। अब देख ले आप कहीं भी यूट्यूब पे अगर ऐसा लेक्चर मिल जाए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। इनका गुरु का नाम क्या है? बाबा नरहरिदास, तुलसीदास के गुरु के नाम है। 80 घाट क्या नाम आया था, खुशनुमा नाम। नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जब मैं बीएचयू पहली बार गया था तो मैं दीपावली के दिन 80 घाट घूमने गया था, और मैं पहली बार वहाँ पे फॉरेन लोगों से बात किया था, करीब 8 से 10 लोगों से मैंने बात किया था। आप लोग चलिए इनके गुरु का नाम जान लिए। इनका पूर्व नाम राम बोला था, ठीक है। उपनाम तुलसीदास का उपनाम क्या क्या है? कवि शिरोमणि, लोकनायक मानस का हंस, रचनाएं रामचरितमानस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इनका जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं बहुत, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगर, जानती मंगर, वैरवे रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैराग्य संग, नृपिणी, रामलला नहसु,
यह सब इनका पंथी रचना है, किनका? सूरदास तुलसीदास का। कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप लोग को बहुत पसंद आता होगा, मुझे पूरा आशा है और पूरा उम्मीद है। इसीलिए आप सब जरूर ये लेक्चर को गंभीर पूर्वक ध्यान दें, और हिंदी में जो 30 out of 30 है इसके लिए आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों को ध्यान में रखना होगा। हिंदी व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास भेजा गया है, उसको आप कोई भी बुक से पढ़िए, परिष्कृत कीजिए, और हिंदी साहित्य का लेक्चर जा ही रहा है। आप देखें मीराबाई, ये कृष्ण भक्ति कवि के कवि शाखा से संबंधित है। इनका जो रचना है देख लीजिए आप लोग, नारसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राम गोविंद, राग सुरठ के पद, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं रस खान, ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रेम वाटिका, सुजान, रस खान, दान लीला, ये सब इनका इम्पोर्टेंट रचना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। इनका जो पल्थी रचना है रहीम दोहावली या सट सही रहीम रचनावली, श्री गार सोठा बैरवे नायिका भेद, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल अक्सर PHU इंट्रेंस में आता है। अर्थ साप का स्थापना किसने किया? विठलानाथ। कब किया? 1565 ईस्वी में। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अष्टसाप के कवि कौन कौन हैं? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, सितुर स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब जो हैं अष्टसाप के कवि हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे होंगे लेक्चर कैसा बनाया जाता है, और मैं तो उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, महादेव को, जिन्होंने BHU कॉन्सेप्ट के हर एक नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए भक्ति काल के प्रमुख उपनाम, प्रमुख उपनाम देखिए क्या क्या उपनाम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम सूफी कवि और साहित्य जरिया कवि नंददास, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, सैयद इब्राहिम रस खान। देखते रहिए कितना इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है, और ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये रिसेंट बुक से लिया गया है, और ये इसीलिए लिया गया है कुछ चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बच गया होगा, तो आप यहाँ से इसे ज़रूर कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको रचना एवं रचनाकार में परेशानी होती है, और रचना एवं रचनाकार से बहुत सारे कम से कम 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप लोग इसे देखते जाइएगा, बहुत कुछ तो मैंने बता दिया लेक्चर में, लेकिन जो मैं नहीं बता पाया वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ये कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आगे जो है राम भक्ति काव्य के हैं, तो ये इनको भी ध्यान से देखना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोग हेल्पिंग हैंड में कोई भी हों, चयन भी हो गए हैं या नहीं भी हुए हैं, ज़रूर सहयोग करें, आपकी सहयोग की आवश्यकताएँ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना। लेक्चर बहुत पसंद आया होगा मैं आशा करता हूँ, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है वो सोच रहे होंगे भैया जी हिंदी पे ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश पे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इंग्लिश पे सभी लेक्चर बनाया गया है, और इंग्लिश में साइनो एंटो ये सब जो 14 क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी से, ये आपको याद करना होगा, कोई भी बुक से याद करें। इसके लिए एक परफेक्ट बुक हम बताने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप लोग लेक्चर को ज़रूर जाके देखें, और इंग्लिश भी बहुत इजी है, उसमें भी नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।